का ही दौर में जब देश आजादी की उम्मीद में जी रहा था, बिहार के साथ युवा वीरों ने 11 अगस्त 1942 को अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे साहसी थे, केवल 14 से 20 वर्ष की आयु के, पर उनके इरादे और हौसले अटल थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर पटना सचिवालय में तिरंगे को सम्मान के साथ फहराया। आज हम उनके अद्भुत और अद्वितीय बलिदान की गाथा को याद करेंगे। भाइयों, देश के सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है। क्या? जैसे क्रांतिकारी समय में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम देश की आजादी के लिए अपना योगदान दें। जी हाँ, हमारी युवा शक्ति ही है जो हमारे राष्ट्र को इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। भैया, हमें पटना में भी कुछ करना होगा, मातृभूमि हमें बुला रही है। तो ठीक है, अब हम पटना सचिवालय का घेराव करेंगे। पटना के सारे स्कूल और कॉलेजों में ये संदेश पहुंचा दो कि सब पटना सचिवालय पहुंचे। अब हम सचिवालय में तिरंगा फहरा कर रहेंगे। भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जान जाए तो जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। टिकट भी प्रकाशित किया है। जय हिंद।